आप सबको बहुत नमस्कार। आयोजन समिति के सभी सदस्यों का धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, और मैं काफी उत्साहित हूँ। एक तो गोष्ठी के आयोजन को लेकर के कि सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन भी है, इतने सारे विद्यार्थी शोधार्थी सुन रहे हैं, अध्यापकगण हमारे जुड़े हुए हैं। दूसरा, इस बात को लेकर उत्साहित हूँ कि हिंदी विभाग की तरफ से अनुवाद को लेकर गोष्ठी हो रही है, क्योंकि अनुवाद तो हिंदी विभागों में उपेक्षणीय विषय है, उसके बारे में लोग बात नहीं करते, नहीं करना चाहते। खासतौर पर उत्तर भारत की अगर बात करें तो उत्तर भारत में हिंदी विभागों द्वारा अनुवाद पर गोष्ठियां कभी कभार ही दिखाई पड़ती हैं। ये हिंदी विभागों की सिर्फ बात नहीं है, पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा में अनुवाद को उपेक्षा की वस्तु माना जाता है, और इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण आप इस बुक में देख सकते हैं कि भारत में अनुवाद अनुदित किताबों को अगर आप देखें तो जो ट्रांसलेटेड बुक्स हैं, अनुदित किताबें हैं, उनमें आधी से अधिक किताबों में अनुवादक का नाम भी नहीं दिया जाता। प्रकाशक इसकी जरूरत नहीं समझते और अनुवादक भी कंप्रोमाइज कर लेते हैं, उनको कुछ प्रकाशक थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं, कुछ प्रकाशक पैसा भी ठीक से नहीं देते। लेकिन अनुवादक का नाम ना देना मेरे ख्याल से एक अकादमिक बेईमानी है। अगर आप अनुवादक को पैसा देते हैं, पारिश्रमिक देते हैं, इसके बाद भी अनुवादक का नाम किताब में जाना चाहिए। अनुवाद इतना आसान कार्य नहीं है। क्योंकि हमारी परंपरा में अनुवाद उपेक्षणीय रहा है और इसका संबंध हमारी सामाजिक व्यवस्था से भी है, क्योंकि आज हम अनुवाद और समाज पर बात कर रहे हैं, तो इस दिशा में हम आगे बात करेंगे कि कैसे इसका संबंध हमारी सामाजिक व्यवस्था से है। प्राचीन भारत, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था, भारत विश्व गुरु था, है, लेकिन बहुत ही विरोधाभास पूर्ण स्थिति है कि विश्व गुरु या ज्ञान का केंद्र रहे देश में अनुवाद की कोई स्पष्ट परंपरा नहीं दिखाई पड़ती। जब भारतीय अनुवाद परंपरा की बात होती है, आजकल आप देखते हैं कि आप चीजों को बहुत देर तक छिपा नहीं सकते, आपको वैश्विक पटल पर तुलनात्मक ढंग से चीजों को अब देखना पड़ता है। आप बहुत दिन तक ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्योंकि जब फ्रीडम ऑफ स्पीच या पत्रकारिता की निष्पक्षता की बात हो तो दुनिया के देशों में हम 100वें स्थान से भी नीचे मिलते हैं। इसी तरह से दूसरे मानकों के आधार पर जब हम देखते हैं तो हम कई सारी चीजों में बहुत पिछड़े हुए मिलते हैं। इसी तरह साहित्य और अनुवाद के संदर्भ में भी हम देखें तो आजकल ये कोशिश तो होती है हमारे आलोचकों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, कि भाई भारत की अनुवाद परंपरा के बारे में हम चीजें खोजें और ये साबित करें कि भारत में भी अनुवाद की समृद्ध परंपरा रही है। लेकिन भारतीय अनुवाद परंपरा की प्राचीनता दिखाने के लिए जो भारतीय परंपरा और संस्कृति को सिर्फ पूज्य मानते हैं, उसको आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं देखते, वो टीकाओं और भाष्यों की तरफ बढ़ते हैं और उसी को कहते हैं कि देखिए कि जब वेस्ट में ये अनुवाद नहीं था तब भारत में ये अनुवाद हो चुका था। जबकि अनुवाद के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनमें से एक अंतर्भाषिक अनुवाद यानी इंट्रालिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन, उसका भी एक प्रकार मात्र है, ये टीकाएं और भाष्य वगैरह हैं। तो भारत में अनुवाद की समृद्ध परंपरा क्यों नहीं? भारत में ग्रंथ तो बहुत लिखे गए लेकिन अनुवाद की उतनी समृद्ध परंपरा नहीं मिलती। इसका जवाब भी हमें भारत के समाज में मिलता है। अनुवाद व्यक्ति करता क्यों है? किसी भी भाषा में अनुवाद की परंपरा विकसित क्यों होती है? इसको लेकर के मेरे ख्याल से हमको भारतीय अनुवाद चिंतक और भारत के बहुत बड़े अनुवादक डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे एक रास्ता दिखाते हैं। उनकी एक दिलचस्प किताब है अनुवाद का समाज शास्त्र। मुझे वो किताब इतनी पसंद आई कि मैंने और मेरे एक दोस्त ने मिलकर के उसका अंग्रेजी में तर्जुमा किया और अंग्रेजी में पब्लिश कराया, सोशियोलॉजी ऑफ ट्रांसलेशन नाम से।
सूर्य नारायण रणसुभे, इस सवाल का जवाब खोजते हुए, सूर्य नारायण रणसुभे के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जरूर जानते होंगे। वे मराठी के बड़े लेखक हैं और साथ ही बहुत बड़े आलोचक हैं। आज हम हिंदी में मराठी के आत्मकथाओं को पढ़ पा रहे हैं, उसकी उसके पीछे सूर्य नारायण रणसुभे जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ढेर सारे अनुवाद किए हैं और इन्हीं अनुवादों की प्रक्रिया में उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि भारत में अनुवाद परंपरा का इतिहास कैसा है, और अगर भारत में अनुवाद की परंपरा नहीं है तो क्यों नहीं है, और भारत में अनुवाद भारतीय भाषाओं में आपस में अनुवाद करने में कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं। तो उन्होंने पाया कि अगर आप अनुवाद करना चाहते हैं, कौन से समुदाय हैं जो अनुवाद पसंद करते हैं, तो कोई समाज कोई समुदाय जब आगे बढ़ रहा होता है तो वो उसके मन में जिज्ञासाएं होती है कि दूसरे समाज क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहिए। तो जिज्ञासा जिज्ञासा जिस तरह से हम लेखन के भी मूल में जिज्ञासा होती है, वैसे अनुवाद के मूल में भी जिज्ञासा होती है, पूरे ज्ञान के मूल में। आप जब सीखना चाहते हैं, आपने देखा होगा कि क्लास में अगर एक डर का माहौल है, आप में से अध्यापक या विद्यार्थी ज्यादातर लोग सुनने वाले, तो कई अध्यापक होते हैं कि क्लास में एक डर का माहौल रखते हैं और उनकी क्लास में आपको सवाल पूछने से डर लगता है, आप सोचते हैं कि अगर मैं कुछ बोलूंगा या बोलूंगी तो शायद हमारे अध्यापक जी को बुरा लग जाएगा या उनको लगेगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो आपके मन में सवाल तो है लेकिन आप उनको अवगत नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक डर है। कई बार आपका क्लास में ध्यान नहीं है, आप जैसे आप मेरा और या करदम जी का लेक्चर सुनते हुए, आपका मान लीजिए लेक्चर में ध्यान नहीं है तो आपके मन में कोई जिज्ञासा आएगी नहीं। तो या तो एक विषय के साथ जुड़ाव ना होना या फिर क्लास में डर का माहौल होना, उसकी वजह से आप अपनी जिज्ञासा को अवगत नहीं कर सकते और जिज्ञासा के लिए कोई स्पेस नहीं बन पाता। यानी जिज्ञासा ज्ञान को आगे बढ़ाने की एक चीज है, और अगर आप में जिज्ञासा वृत्ति नहीं है तो ये समझा जाना चाहिए कि या तो आप खुद को बहुत ज्ञानी मानते हैं, आपके अंदर अहम एक एक तरह का घमंड आपके अंदर आ गया है कि आपको बहुत कुछ आता है, या फिर आपका उस विषय में कोई ध्यान नहीं है, आप उस विषय को सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बोलने वाला या जो अध्यापक है आपका या वक्ता है, वो चीजों को ठीक ढंग से स्पष्ट नहीं कर पा रहा या उसकी चीजों में तारतम्यता और स्पष्टता नहीं है, जिसकी वजह से सुनने वालों को वो चीजें समझ में नहीं आ रही। तो किसी भी वजह से फिर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पा रहा, अच्छा संवाद स्थापित नहीं हो पा रहा, उनके संप्रेषण में कुछ खामियां, तब भी एक समस्या होती है। लेकिन अगर संवाद ठीक है और अगर चीजों को ठीक ढंग से रखा जा रहा है, उसके बाद में जिज्ञासा वृत्ति नहीं है तो वो ज्ञान के विकास में बाधक है। जिज्ञासा वृत्ति होनी चाहिए, जैसे ये अपेक्षा की गई कि पहले व्याख्यान के बाद सवाल आने चाहिए, सवाल आए। तो जिज्ञासा वृत्ति हमेशा, आप देखते हैं कि छोटे बच्चे हमसे पूछते हैं कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये जिज्ञासा वृत्ति मेरे ख्याल से मनुष्य के जीवन में अनंत काल तक, जब तक वो जीवित रहता है तब तक आजीवन जिज्ञासा वृत्ति बनी रहती है। आज हम जिज्ञासा वृत्ति को कैसे शांत करते हैं, मान लीजिए मुझे इस विषय पर बोलना था और मेरे मन में सवाल आया कि मुझे जानना चाहिए कि ट्रांसलेशन और सोसाइटी या सोशियोलॉजी ऑफ ट्रांसलेशन, इनका आपस में क्या रिश्ता है, दुनिया में क्या इसके बारे में काम हुआ है, भारत में क्या काम हुआ है, तो मैं अपने किसी साथी अध्यापक से बात करूंगा या मैं गूगल करके देखूंगा, मैं जे स्टोर पे देखूंगा, मैं दूसरे जर्नल्स देखूंगा और उसके माध्यम से मैं समझने की कोशिश करूंगा कि इस दिशा में क्या काम हुआ है। तो हम पूरे जीवन इस जिज्ञासा वृत्ति के साथ में आगे बढ़ते हैं और अपना और समाज का विकास करते हैं। सभी राष्ट्रों का विकास भी इसी दृष्टि से होता है कि हम चीजों को जानते हैं। मान लीजिए भारत बुलेट ट्रेन चलाना चाहता है, मोदी जी की महत्वाकांक्षा है कि वो अब बुलेट ट्रेन चलाएं भारत में, तो अब ये इसके लिए पहली जिज्ञासा है कि क्या ये ट्रेन भारत में चल सकती है, क्या इसके लिए ये मौजूदा पटरियां हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, ये काफी हैं, या इसके लिए दूसरे ट्रैक बिछाने पड़ेंगे, इसमें कितना रहेगा, ये जो सारे सवाल है आपके, ये जिज्ञासा वृत्ति है। इसी तरह से जब रिसर्च करने हम जाते हैं, आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशंस को लेकर के इंटरव्यू चल रहे हैं और बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, फोन करते हैं, ईमेल करते हैं, बात करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे शोधार्थियों में तो जिज्ञासा वृत्ति नहीं है। किसी भी रिसर्च के लिए जिज्ञासा वृत्ति का होना बहुत जरूरी है।
क्यूरियसिटी, आपके अंदर ये जानने की इच्छा होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए आप दलित साहित्य पढ़ रहे हैं, आप भक्ति साहित्य पढ़ रहे हैं, या आप कुछ और पढ़ रहे हैं, आप उसको पढ़ते हुए आपके दिमाग में कुछ सवाल आने चाहिए, जिनको हम रिसर्च क्वेश्चंस कहते हैं, शोध प्रश्न कहते हैं। उन शोध प्रश्नों के बिना आप शोध कैसे करेंगे? अब बहुत सारे शोधार्थियों को यही नहीं पता, रिसर्चर्स को नहीं पता कि रिसर्च क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो भारतीय परंपरा में इस जिज्ञासा के लिए कितना स्पेस रहा, इसको लेकर के सूर्य नारायण धनसुरे सवाल उठाते हैं, क्योंकि जिज्ञासा किसी भी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के एक एक मूल वृत्ति है। साथ ही एक दूसरी चीज, दूसरा सवाल वो उठाते हैं कि विनम्रता का भाव। अगर व्यक्ति सीखना चाहता है तो निश्चित तौर पर, जैसे आपने बहुत सारे विद्वानों को कहा होगा, सुना होगा, विद्वान पता चला कि वो 90s में जीवन के आखिरी पड़ावों में, लेकिन मैं वो अपने बोलते हुए कहते हैं कि मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी और स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि मैं एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के तौर पर महसूस करता हूँ, मैं दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी के तौर पर ये महसूस करता हूँ, या किसी भी विषय के वो अपने आप को विद्यार्थी बताते हैं। यानी कि एक विनम्रता का भाव, वो ये नहीं कहते कि मैं प्राध्यापक हूँ, मैं इसका मैं बहुत बड़ा हिस्टोरियन हूँ, मैं बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हूँ या कुछ और हूँ। वो सबसे पहले खुद को एक स्टूडेंट के तौर पर, ये विनम्रता, जो इस विनम्रता से ही हमारे अंदर जिज्ञासा भाव आता है, हम हमेशा सीखना चाहते हैं, ये सीखने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। विनम्रता का भाव होगा तो आप दूसरे के बारे में जानना चाहेंगे। इसके बरक्स, इसके समानांतर, अगर आपके अंदर अहम होगा, घमंड होगा कि भाई इतने मैं तो सब जानता हूँ, जैसे भाषाओं को लेकर के आप देखते होंगे कि दक्षिण भारतीय, इस मामले में मुझे बहुत आकर्षण है दक्षिण भारत से। खुद मैंने एक साल पांडिचेरी में पढ़ाया तो थोड़ा महसूस किया, केरला के कई मित्र हैं, और जो मैंने अनुवाद किया इस किताब का, अनुवाद का समाज शास्त्र जो किताब है डॉक्टर सूर्य नारायण रणसूरी की, वो एक मेरे मलयाली दोस्त के साथ मिलकर के किया, डॉक्टर जोशल अब्राहम, वो यहाँ पर जीवी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में दिल्ली में पढ़ाते हैं, वहाँ पर कोट्टयम के रहने वाले हैं, उनके साथ मिलकर के, क्योंकि जो दक्षिण भारत में एक आकर्षक चीज है वो है कि वो दक्षिण भारत के सभी लोग बहुभाषी हैं, वो कम से कम दो भाषाएं जानते हैं। दक्षिण भारत के लगभग सभी लोग कम से कम दो भाषाएं जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तीन या चार भाषाएं जानते हैं। ये जो मेरे मित्र हैं, हम लोग पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में मिले, वहां हमारी दोस्ती हुई, फिर बाद में दिल्ली आए और मैंने इनको देखा। आज तो ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, ये 2007-08 में स्काइप के माध्यम से दुनिया के लोगों को अंग्रेजी पढ़ाते थे। दूसरे देशों के विद्यार्थी हमारे घर में कुछ दिन रहे तो हमने उन दिनों एक इंटरनेट कनेक्शन लगाया और उसके माध्यम से दुनिया के दूसरे देशों के लोगों को, एक मलयालम भाषी, आप सोचिए कि अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों को, फ्रांस के लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। बहुत दिलचस्प है दक्षिण भारतीयों में कि वो कई भाषाएं जानते हैं, बहुत सारे लोग जो तीन चार भाषाएं जानते हैं। तो ये तीन चार भाषाएं आप कैसे सीख पाते हैं? तब सीख पाते हैं जब आपके अंदर विनम्रता का भाव है। अगर आपके अंदर घमंड है, आप एक उत्तर प्रदेश के व्यक्ति से मिलिए, एक हरियाणा के व्यक्ति से मिलिए, एक राजस्थान के व्यक्ति से मिलिए, वो समझता है कि हिंदी वो जानता है बस, हिंदी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा है और उसको कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। ये जो अहम अगर आपके अंदर आ जाएगा अपनी भाषा को लेकर के, अपनी भाषा से प्यार करना चाहिए, अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए, लेकिन भाषा को लेकर एक अहम या वर्चस्व का भाव मन में नहीं होना चाहिए। आपको भाषाओं को लेकर के और अपने व्यवहार में भी विनम्रता होनी चाहिए, और विनम्रता होगी तो आप दूसरे के बारे में जानना चाहेंगे कि दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है, दूसरे समाजों में क्या चल रहा है। और अनुवाद के लिए बहुत जरूरी है, साहित्य सृजन के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम विनम्र हों। तो क्या भारतीय परंपरा में ये विनम्रता की भावना विद्यमान रही है? और फिर तीसरी चीज डॉक्टर सूर्य नारायण राम सुबे जो उठाते हैं वो है समता की आकांक्षा। अगर समाज में विषमताएं हैं, चाहे वो जेंडर के आधार पर हैं, चाहे वो आर्थिक आधार पर हैं, चाहे वो जाति और वर्ण के आधार पर हैं, चाहे वो क्षेत्रीय आधार पर, तो अगर आपके अंदर समता की आकांक्षा नहीं है, आप जिस तरह की सोसाइटी आपको मिल गई, जो गिवन सिचुएशंस है, दी गई परिस्थितियां हैं, उनमें आप रहना चाहते हैं और उसको फिर लगता है कि मेरी स्थिति तो बहुत अच्छी है, मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं, इसका मतलब यह है कि समाज में विषमताएं तो मौजूद हैं लेकिन उन विषमताओं को लेकर हम सचेत नहीं है और उन विषमताओं को दूर करने के बारे में तो सोचते ही नहीं है।
फिर उसमें कैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे, क्योंकि हम दूसरे समाजों के बारे में जानना ही चाहेंगे, क्योंकि हम अपनी स्थिति को जिसमें हम हैं उस यथास्थिति से हम खुश हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो डॉक्टर सूर्य नारायण नरसोबे, इस तरफ बढ़ते हैं अनुवाद और समाज के रिश्तों की बात करते हुए, क्योंकि भारत का समाज पदानुक्रम वाला समाज रहा है। और हालांकि इस मामले में मैं डॉक्टर रणसुभे से थोड़ा असहमत भी हूँ। सिर्फ भारत का समाज पदानुक्रम वाला नहीं रहा, दुनिया के बहुत सारे समाज हैं जो पदानुक्रम वाले रहे हैं, बल्कि ज्यादातर समाजों में कोई ना कोई हायरार्की रही है। हाँ, ये जरूर है कि भारत के समाज का पदानुक्रम भिन्न प्रकार का रहा है, दूसरे समाजों का पदानुक्रम भिन्न प्रकार का रहा है, और जैसे जैसे ये हायरार्की, ये पदानुक्रम टूटते हैं, वैसे वैसे समाज में अनुवाद के लिए भी स्पेस बनता है। तो डॉक्टर रणसुभे कहते हैं कि क्योंकि भारत का समाज जाति और वर्ण के पदानुक्रम से ग्रसित रहा, अहंकार का शिकार रहा, क्योंकि उसको लगा कि हमारे पास संस्कृत है, हमारे पास वेद पुराण है, हमारे पास इतने शास्त्र हैं, महाकाव्य हैं, हमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है दूसरे समाजों के बारे में जो भारत में रहते हैं या भारत के बाहर रहते हैं। इसलिए उन्होंने दूसरों की ज्ञान परंपराओं के का कोई अध्ययन नहीं किया, उनको जानने की कोशिश नहीं की और उनको अनुदित करने की जरूरत नहीं समझी। अब इसमें जो मेरा थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है, आपके भी डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, असहमति हो सकती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात तो है ही कि अनुवाद कहाँ संभव होता है, कैसे समाजों में संभव होता है, जहां जहां पर अनुवाद की परंपराएं विकसित हुई है, क्या उस दौरान समाज में कोई बदलाव हुए हैं, और वो बदलाव हुए हैं तो किस प्रकार के बदलाव हुए हैं, वो हमको देखने चाहिए। रणसुभी जी ये भी कहते हैं कि चूंकि अगर कोई लेखक या अनुवादक ये समझता है, कोई व्यक्ति ये समझता है कि मान लीजिए आपके समाज में आप देखते हैं कि कुछ लोग पीड़ित हैं, कुछ लोग अन्याय झेल रहे हैं, अत्याचार झेल रहे हैं, और अगर आप ये मानते हैं कि ये तो भाग्य की नियति है, ऐसा तो इन्होंने चूंकि इनके भाग्य में यही लिखा है, या पिछले जन्म में इन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से इन्हें दुख और पीड़ाएं मिल रही है, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं, कोई समाज ऐसा सोचता है, तब भी आप उसके ना तो पीड़ा में सहभागी होने की कोशिश करेंगे, ना उसको बदलने की कोशिश करेंगे, और ना उसको उसके बारे में कुछ लिखेंगे। जाहिर सी बात है, फिर उसके बारे में कुछ लिखेंगे भी नहीं और उसके बारे में आप अनुवाद भी नहीं करेंगे। और अगर आप भाग्यवाद या पुनर्जन्मवाद की बजाय आप कार्य कारण संबंधों में यकीन करते हैं, तार्किकता में यकीन करते हैं और आप संवेदनशील हैं, तो एक लेखक के तौर पर, एक समाज के सजग नागरिक के तौर पर आप दूसरों के दुखों और पीड़ाओं को समझने की कोशिश करेंगे और जहां तक संभव हो उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए एक तार्किक समझदारी, कार्य कारण संबंध में समझदारी का भाव होना भी बहुत जरूरी है, तभी आप समाज में बदलाव कर सकते हैं और समाज में एक समता की दिशा में बढ़ सकते हैं। और जनरली हम मानते हैं कि लेखक और अनुवादक संवेदनशील होते हैं और वो चीजों को ज्यादा गहराई से समझते हैं, और तभी शायद वो हम तभी वो कहते हैं कि कहते हैं जहां ना रवि पहुंचे वहां पर कवि पहुंचे। तो कवि ऐसी जगहों पर भी पहुंच सकता है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। लेखक की संवेदना का संसार इतना व्यापक होता है, और कहा भी जाता है कि जो साहित्य है वो परकाया प्रवेश की साधना का नाम है। परकाया प्रवेश, हम दूसरों के बारे में, साहित्य समाज का दर्पण है, कोई ये कहता है, कोई कहता है साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, या साहित्य मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। साहित्य की जो भी परिभाषाएं हैं वो सारी की सारी परिभाषाएं इस ओर इशारा करती है कि साहित्य हमारे स्व से निकल करके, हमारे सेल्फ से निकल करके अदर पे जाता है, दूसरों के दुख दर्द में शामिल, पहले व्यक्ति संवेदना के स्तर पर शामिल होता है, उनको समझता है, फिर उसके बारे में लिखता है। तो इसके लिए स्पेस वहीं बनता है जहां पर जो जिस समाज में बदलाव हो रहे हो, जो समाज में आपस में संवाद हो, और जिसमें इसके लिए एक स्पेस बने। तो आप देखेंगे कि ये भारतीय परंपरा और संस्कृति में मुमकिन है कि काफी समय तक ऐसी परिस्थितियां निर्मित नहीं हो पाई जहां पर अनुवाद हो सकते थे, जहां पर कम से कम भारतीय भाषाओं में आपस में। और आप देखते हैं भारत के इतिहास को देखते हैं तो भारत के इतिहास में अंग्रेज पहला ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो भारत में आई और उन्होंने राज किया। अंग्रेजों से पहले दूसरे बहुत सारे समुदायों के लोग, बहुत सारी नस्लों के लोग आए
शक, हूण, मुगल, तमाम। लेकिन भारत में अनुवाद परंपरा उतनी विकसित नहीं हो पाई। अनुवाद परंपरा के इतिहास में हम जाते हैं तो मुगल काल में हमको काफी चीजें दिखाई पड़ती हैं, उससे पहले उतनी चीजें नहीं दिखाई पड़ती, कम से कम दूसरी भाषाओं के संदर्भ में। अंतर अंतर्भाषिक की बजाय अंतरभाषिक देखें हम, दूसरी इंटरलिंगुअल अगर ट्रांसलेशन को देखें तो वो उतनी नहीं दिखाई पड़ती है। और उसकी वजह डॉक्टर रणसुबे भारत के बंद समाज को मानते हैं। भारत के समाज में चूंकि जाति और वर्ण का पदानुक्रम इतना गहरा था कि उसकी वजह से एक लोकतांत्रिक ढंग से हम चीजों पर नहीं सोच पाए, एक कार्यकारण की दृष्टि से नहीं सोच पाए। तो अब इसमें इसका मतलब ये हुआ कि उनके उनके अगर तर्क से हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि फिर इसका मतलब जो जहां पर भी समाज के स्थापित ढांचे को तोड़ने की कोशिश हुई वहां पर अनुवाद होने चाहिए। और ऐसा कुछ दिखाई भी पड़ता है समाज में, वर्ण और जाति की व्यवस्था उनका अनुसार, डॉक्टर धनसोबे के अनुसार अनुवाद विरोधी ये व्यवस्था है। तो जाति और वर्ण के विरोध में आंदोलन जब हुए तो इसका मतलब खूब अनुवाद हुए होंगे। तो ये बात तो सच है कि सिर्फ जाति और वर्ण नहीं, जब भी कोई सामाजिक बदलाव हुआ, राजनीतिक बदलाव हुआ, तो उसमें अनुवाद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और खूब अनुवाद हुए समाज में। मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस बात को आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे सबसे ज्यादा अनुवाद दिखाई पड़ते हैं मध्यकाल में, जो हम हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से देखें, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं सदी के आसपास देखें आप, तो जो भक्ति आंदोलन है उस दौरान काफी अनुवाद हुए। फिर नवजागरण के दौरान, रेनेसां के दौरान काफी अनुवाद हुए। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान काफी अनुवाद हुए। फिर ये समकालीन मुक्ति आंदोलन जितने भी चल रहे हैं, स्त्री आंदोलन, दलित आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, इसमें भी बहुत अनुवाद हो रहे हैं। तो ये वाला तर्क कुछ फिट बैठता है कि सामाजिक बदलाव जब भी होंगे तब अनुवाद उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, बल्कि वो सामाजिक बदलावों का वाहक बनता है। अब भक्ति आंदोलन को आप देखें, भक्ति आंदोलन के बारे में तो बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है, भक्ति द्राविड़ ऊप जी लाए रामानंद। अब रामानंद कैसे लेकर के लाए आए? रामानंद अपने सिर पे रख के तो लेके नहीं आए। रामानंद या जो भक्ति के उत्तर भारत के जितने संत और प्रचारक हैं या जो उनके प्रवर्तक हैं, वे सब निश्चित तौर पर दक्षिण भारतीय भक्ति परंपरा के संपर्क, जो आलावारों की परंपरा है या और दूसरी कोई परंपरा है, उसमें उसके संपर्क में आए होंगे। और उसके संपर्क में उनको निश्चित तौर पर एक से अधिक भाषाओं की आवश्यकता पड़ी होगी। उन्होंने उन भाषाओं का अध्ययन किया होगा या किसी ने उनका अनुवाद किया होगा, तब वो उत्तर भारत के लोग उसके संपर्क में आए। उत्तर भारत में फिर संस्कृत से उसको लोक भाषाओं में ले जाया गया। लोक भाषाओं में संस्कृत से आप देखते हैं कि तुलसीदास रामचरितमानस लिखते हैं, और बहुत सारे आलोचकों को मैनेजर पांडे भी बार बार कहते हैं कि भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि भक्ति आम जन तक पहुंची और भक्ति आंदोलन में लोक भाषाओं की प्रतिष्ठा हुई। अब इसमें आपके जिस तरह से अगर मैं आदिवासी दृष्टि से देखूं तो मेरे काफी असहमतियां हैं, लेकिन फिर भी काफी महत्वपूर्ण तथ्य है ये कि निश्चित तौर पर संस्कृत से, जो कि संस्कृत को देव भाषा कहा जा रहा है और बहुत सारे समुदायों को संस्कृत बोलने, लिखने, सुनने की पाबंदी है, उसको इजाजत नहीं है, तो ऐसे में अगर भक्ति लोक भाषाओं में आएगी तो निश्चित तौर पर कोई भी चीज लोक भाषाओं में आएगी तो वो आम जन को सुलभ हो पाएगी। भक्ति के अध्येता ये भी कहते हैं कि जो निर्गुण परंपरा है वो वास्तव में इसलिए इतना स्थापित हो पाई क्योंकि बहुत सारे लोगों को अधिकार नहीं थे, बहुत सारे समुदायों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, शास्त्रों का पाठ करने का अधिकार नहीं था। तो निर्गुण ने एक ऐसे ईश्वर की कल्पना का आधार दिया जिसमें आपको मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें आपको शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, जिसमें आप सहज ज्ञान के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से भी उस ईश्वर से या उस परमात्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये जो भक्ति आंदोलन का एक लोक तत्व है उसमें, वो उसके बिना भक्ति आंदोलन की मेरे ख्याल से हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर रामचरितमानस की रचना नहीं हुई होती, अगर कबीर ने
उन शास्त्रीय और गूढ़ बातों को आसान भाषा में, जिसको रामचंद्र सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं, मैं कहूंगा कि आम बोलचाल की भाषा है उत्तर भारत की, एक मिलीजुली सी भाषा, एक मिश्रित भाषा, उसमें अगर कबीर नहीं आए होते, अगर जायसी अपने पद्मावत की रचना अवधि में नहीं किए होते, या सूरदास ब्रज भाषा में नहीं लिखे होते, या बहुत सारे दादू रैदास वगैरह तमाम संत अगर लोक भाषाओं में नहीं लिखते, तो शायद इतने बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा हो पाता भक्ति का। भक्ति आंदोलन की पूरी प्रतिष्ठा उसका भद्रजन की भाषा या शास्त्रीय भाषा से लोक भाषाओं में आना है, और ये अनुवाद के माध्यम से ही संभव हो पाया। नवजागरण की चेतना को आप देखें, मैं बहुत संक्षेप में समराइज करते हुए चीजों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। नवजागरण जो सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि बंगाल में सबसे पहले रेणुत्सव आया, और उसके बाद महाराष्ट्र की बात की जाती है, फिर मलयालम तमिल वगैरह की बात होती है, हिंदी की बात होती है, सभी भाषाओं में आप देखें कि जो नवजागरण की चेतना है, नवजागरण के बारे में रामसूत्र चतुर्वेदी कहते हैं कि ये दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न वैचारिक ऊर्जा। अब दो संस्कृतियां टकराई कैसे, दो संस्कृतियों का आपस में पहली बात संवाद कैसे हुआ, दो संस्कृतियों का संवाद अनुवाद के माध्यम से हुआ। बंगाल में सबसे पहले ऐसा एक भद्र वर्ग पैदा हुआ जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा था, वो अंग्रेजी भी जानता था, बांग्ला भी जानता था, उसने अंग्रेजी से बांग्ला में अनुवाद किए, और जब हम ये जानने लगे, समझने लगे कि भाई हमारे समाज सर्वश्रेष्ठ समाज नहीं है, हमारे समाज में कुछ चीजें अच्छी है, लेकिन हमारे समाज के बाहर भी एक दुनिया है, हमारे देश के बाहर भी एक दुनिया है जो हमसे अलग है, और हमें उसके बारे में भी जानना चाहिए। जब हम आप सोचिए कि सती प्रथा का ख्याल को के खात्मे का ख्याल कहाँ से आया होगा, कि हमने तो पूरे देश ने मान लिया कि भाई हाँ, एक पुरुष की मृत्यु के बाद में स्त्री को उसकी चिता पर जिंदा जल जाना चाहिए, और इससे उसके पति को और उसको दोनों को स्वर्ग मिलता है। लेकिन जब हमने देखा कि दूसरे देशों में इस तरह की परंपरा नहीं है, तो क्या वहां के सारे स्त्री और पुरुष नरक में जा रहे हैं? तो हमने कार्यकारण ढंग से चीजों को समझना शुरू किया, तार्किक ढंग से चीजों को समझना शुरू किया, और ये सब अनुवाद के माध्यम से, जब हमने यूरोप का इतिहास पढ़ा, अमेरिका का इतिहास पढ़ा, दुनिया की दूसरी जगहों का इतिहास पढ़ा, तो हमने जाना कि नहीं, सती प्रथा आवश्यक नहीं है, सती प्रथा स्त्रियों के खिलाफ हो रही बहुत बड़ी जाति है, तो इसके खिलाफ भारतीय जनमानस की तरफ से एक चेतना पैदा हुई, राजा राम मोहन राय ने उसका नेतृत्व किया, अंग्रेजों ने समर्थन किया कि हाँ भाई इसका खात्मा होना चाहिए। हालांकि 1984 तक भी सती प्रथा के मामले आते गए, लेकिन धीरे धीरे करके वो मामले अब पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। और ये चेतना हमारे अंदर कहाँ से आई, ये चेतना हमारे अंदर अनुवाद के माध्यम से आई, जब हमने दूसरे समाजों के बारे में जाना, दूसरे देशों के बारे में जाना कि वहां पर किस तरह का समाज है, किस तरह के मूल है। इस तरह से आप देखें, जब हम हिंदी के भारतीय भाषाओं के पहले उपन्यासों की बात करते हैं, तो 19वीं सेंचुरी के रेनेसा या नवजागरण के दौर में एक बात कॉमन दिखाई पड़ती है कि भारतीय भाषाओं में जो सबसे पहले उपन्यास लिखे गए, जिनमें मलयालम का इंदुलेखा, शायद इंदुलेखा नाम है उसका, हिंदी का देवरानी जेठानी की कहानी, और उर्दू का मिरातुल उरूस, ऐसी अनगिनत रचनाएं हैं जिनमें स्त्रियों के मुद्दे केंद्र में है, स्त्रियों की शिक्षा केंद्र में है। अब स्त्रियों की शिक्षा का मुद्दा एकदम से महत्वपूर्ण क्यों हो गया? स्त्रियों की शिक्षा का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि भारत में एक ऐसा तबका विकसित होने लगा जो पढ़ करके ये जानने लगा, अंग्रेजों के संपर्क में रह करके पढ़ करके, कि स्त्रियों को शिक्षित करना चाहिए। और अगर देवरानी जेठानी की कहानी में जिस तरह से बताया गया है कि एक स्त्री शिक्षित होगी तो वो निश्चित तौर पर जो जेठानी है वो अशिक्षित है, और वो हमेशा परिवार में कलह पैदा करती है, लेकिन जो शिक्षित स्त्री है, जो देवरानी है, छोटे भाई की पत्नी है, वो शिक्षित होने की वजह से सब चीजों को ठीक कर देती है, यानी वो आने वाली पीढ़ियों को सुधारेगी, वो परिवार में सामंजस्य रखेगी, पढ़ी लिखी स्त्री। आज इससे विपरीत भी आपको उदाहरण मिल सकते हैं, लेकिन रेनेसां में उस वक्त ये समझदारी बनी भारत के पढ़े लिखे तबके के बीच में कि स्त्रियों को शिक्षित करना चाहिए। अब वो शिक्षा आप कह सकते हैं कि वो उनको उस वक्त ज्ञान विज्ञान की शिक्षा नहीं देना चाहते थे, सिर्फ धर्म की और गृह उपयोगी शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि स्त्रियों को शिक्षित करना चाहिए। उस दौर में ये सोचा गया कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, उस दौर में ये सोचा गया कि
अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसको भी पुनर्विवाह का अधिकार है, उसको फिर से शादी करने का अधिकार है। ये सारे ख्याल कहाँ से आए? उस दौर में सोचा गया है कि अगर कोई समुद्र यात्रा करता है तो समुद्र यात्रा से कोई पाप नहीं लगता, समुद्र यात्रा से व्यक्ति को सीखने को मिलता है, वो दूसरी भाषाओं को जानता है, उनके साहित्य को जानता है, उन समाजों को जानता है, तो इससे सीखने को मिलता है। तो ये जो पूरा द्वंद्व है संस्कृतियों के बीच का, और उसको हम नवजागरण कहते हैं, जिसमें हम एक एक अपेक्षाकृत आधुनिक संस्कृति से हम संवाद कर रहे थे, जो यूरोपीय संस्कृति थी उससे हम संवाद कर रहे थे, और अपनी संस्कृति की जो भारतीय संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति जब मैं कह रहा हूँ तो उसके बहुत सारे आयाम हैं, भारतीय संस्कृति किसी एक धर्म या जाति की संस्कृति नहीं है, उस संस्कृति के साथ में एक द्वंद चल रहा था, उसकी हम समीक्षा कर रहे थे कि भारतीय संस्कृति में कौन सी चीजें अच्छी है, कौन सी चीजें खराब हैं, और वो समीक्षा तभी हो पाई और हम अपने समाज में सती प्रथा को लेकर के आंदोलन चला पाए, विधवाओं के विवाह को लेकर के आंदोलन चला पाए, स्त्रियों की शिक्षा को लेकर के आंदोलन चला पाए। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले के बारे में आप जानते हैं, वो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से उनको ये पता चला, और बहुत सारे रचनाओं के अनुवाद पढ़ते हुए उनको ये मालूम चला कि नहीं, स्त्रियों को शिक्षित करना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने इतने जोखिम उठाए कि उनके ऊपर लोग पत्थर फेंकते थे, उनकी आलोचना करते थे, लेकिन उन्होंने स्त्रियों के लिए स्कूल खोला, उनको पढ़ाया लिखाया। ये जो तो पूरी नवजागरण की चेतना है, इसके बारे में विस्तार से अलग से बात की जाती है, ये पूरी चेतना अनुवाद के माध्यम से, बांग्ला में पहले अंग्रेजी से बांग्ला में अनुवाद हुए, फिर मराठी में बांग्ला से और अंग्रेजी से दोनों से अनुवाद हुए, फिर हिंदी में बांग्ला से अंग्रेजी से मराठी से अनुवाद हुए, मलयालम तमिल वगैरह से भी बाद में अनुवाद हुए। तो ये नवजागरण की चेतना का प्रसार लगातार अनुवाद के माध्यम से होता चला गया, और इसमें इससे भारतीय समाज सबसे बड़े बदलावों का साक्षी बना, जो भारत में आज आधुनिकता दिखाई पड़ती है। कई लोग इसको औपनिवेशिक आधुनिकता कहते हैं, लेकिन जो आधुनिकता आज है, चाहे उसको औपनिवेशिक आधुनिकता कहें आप, वो आधुनिकता इन अनुवादों के माध्यम से, इस सामाजिक संसर्ग के माध्यम से ही विकसित हो पाई है। इस तरह से आप राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को देखिए, जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट है, उसमें वो उसका राष्ट्रीय स्वरूप ही नहीं बन पाता अगर अनुवाद नहीं हो पाता। आप कल्पना करें कि हमारे पास में कितनी भाषाएं हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज भी भारत में 700 से ज्यादा जीवित भाषाएं हैं आज, जबकि भाषा ट्रस्ट का ये कहना है, जो जो गुजरात का में एक भाषा ट्रस्ट है, जीएन देवी जिसके नेतृत्व करते हैं, उन्होंने अपने अध्ययनों में पाया कि भारत में पिछले 5 दशकों में 250 से ज्यादा भाषाएं मर गई हैं। आप सोचिए कि 5 दशकों में 250 से ज्यादा भाषाएं मर गई, इसके बाद भी भारत में 700 से ज्यादा जीवित भाषाएं। एक ऐसे देश में राष्ट्रीय आंदोलन की कल्पना करना कितना कठिन है, कि जिसमें उस वक्त आप ये तो अंदाजन आप मान के चलिए कि 1000 से 1500 भाषाएं रही होंगी जब राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का दौर था। और जब मैं भाषाएं कह रहा हूं तो मैं बोली और भाषा के फर्क को समझते कह रहा हूं, मैं लिंग्विस्टिकली भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा कह रहा हूं। तो जब इतनी भाषाएं यहाँ मौजूद है, उसमें एक नेशनल मूवमेंट खड़ा हो गया, कैसे संभव हो पाया? वो अनुवाद के माध्यम से संभव हो पाया। लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं को छोड़कर के हिंदी की रचनाओं को पढ़ना शुरू किया, हिंदी में अनुवाद दूसरी भाषाओं से हिंदी में, हिंदी से दूसरी भाषाओं में, राजनीतिक दस्तावेजों के अनुवाद होने लगे, साहित्य के अनुवाद होने लगे, और उसके माध्यम से हम एक दूसरे की संस्कृति के परिचय में आए, और हमने महसूस किया कि हमारे दुख दर्द एक से हैं, हमारे उत्सव त्योहार एक से हैं, इसलिए हम अपने आप को एक नेशनल इंटीग्रिटी, एक राष्ट्रीय एकता और अखंडता की, जो राष्ट्र क्या है, राष्ट्र बेसिकली एक आपकी जो एंडरसन कहते हैं कि एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है, एक एक काल्पनिक समुदाय है, हमने इमेजिन किया है राष्ट्र, निश्चित तौर पे उसका एक भूभाग होता है, लेकिन हमने इमेजिन किया है कि यहाँ से कश्मीर से लेकर लद्दाख से लेकर के, कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात के कच्छ के रण से लेकर के और नागालैंड मिजोरम तक, सब पूरे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हमारे बीच में कॉमन है। ये महसूस हम कैसे कर पाए, जो हमने अपने आप को इमेजिन किया एक भारत राष्ट्र के रूप में, वो इमेजिन हमारी साझी परंपरा, साझी संस्कृति, साझी विरासत, उसके साथ साथ जो तो हमारा एक दूसरे से मिलती जुलती संस्कृति, काफी हमारे उत्सव त्योहार, हमारे दुख दर्द सब आपस में इतने मिल रहे थे, जिसकी वजह से हमको लगा कि हाँ, हम सब
आंदोलन शुरू किया, जिसको हम राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे उसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ। और उसका राष्ट्रीय स्वरूप में लोग अपनी अपनी मातृभाषाओं को छोड़ करके फिर उन्होंने महसूस किया कि राष्ट्र को जोड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता है, और वो भाषा हिंदी हो सकती है। आप देखिए कि जो सी राजगोपालाचारी मद्रास प्रांत में, उन्होंने 1938 में हिंदी को लागू कराया, बाद में वो हिंदी विरोधी आंदोलनों में शामिल हुए, उनका नेतृत्व हुआ, उसका एक अलग इतिहास है, लेकिन मद्रास प्रांत में उन्होंने हिंदी को लागू कराया। इस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में, महात्मा गांधी की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उनकी मातृभाषा गुजराती है, बंगाल के लोग आए, सब लोगों ने हिंदी को अपनाया, और इस प्रक्रिया में बहुत सारे अनुवाद भी हुए, लेकिन अपने आप को एक सूत्र में बांधने में भाषा और अनुवाद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद के आप देखें, इसके बाद के आंदोलनों में आप देखें, जो तीन मुक्तिकामी आंदोलन या अस्मितावादी आंदोलन अभी प्रमुखता से चल रहे हैं, उनके केंद्र में भी अनुवाद की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर अनुवाद नहीं होता तो शायद वो आंदोलन भी नहीं होते। आप स्त्रीवादी आंदोलन की बात करें, आप दलित आंदोलन की बात करें, आप आदिवासी आंदोलन की बात करें, स्त्रीवादी आंदोलन भारत में यूं तो 1942 में श्रृंखला की कड़ियां लिखी जा चुकी थी, लेकिन भारत में फेमिनिज्म, जो खासतौर पे हिंदी में फेमिनिस्ट राइटिंग्स हैं, दूसरी भारतीय भाषाओं में भी, वो सीमन द बेवुआ की द सेकंड सेक्स के अंग्रेजी अनुवाद और फिर भारतीय भाषाओं में हिंदी आदि में अनुवाद के बाद में एक स्त्रीवादी लेखन और चिंतन का एक नया दौर शुरू हुआ। वर्जीनिया वुल्फ का हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ, ऐसे ढेर सारे नाम हैं जिनका दूसरी भाषाओं से भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ, और उसके माध्यम से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में नारीवादी लेखन ने नए आयाम, नई बुलंदियां हासिल की। दलित आंदोलन के बारे में हम सब जानते हैं कि आदरणीय कर्दम जी ने उसके बारे में विस्तार से बताया है, और वैसे भी आप पढ़ना चाहें तो 1970 से 75 के बीच में, 72-73 में वहां पर दलित पैंथर्स का आंदोलन हुआ। दलित पैंथर्स का आंदोलन अपने आप में ब्लैक पैंथर्स से प्रभावित था, ब्लैक पैंथर्स से ब्लैक लिटरेचर निकला और दलित पैंथर्स का आंदोलन हुआ, और जितने भी मराठी के बहुत बड़े बड़े रचनाकार हैं, जो सिर्फ मराठी दलित साहित्य के नहीं स्वयं मराठी भाषा के बड़े रचनाकार हैं, उन सब की लेखनी उसी दौरान में बहुत ही प्रखरता के साथ में उभरी। जो दलित पैंथर्स के आंदोलनकारी थे वही मराठी साहित्य के बड़े बड़े साहित्यकार के रूप में उभरे, नामदेव ढसाल हो, राजा ढाले हो, या बाद में दया पवार हो, या और दूसरे तमाम रचनाकार, वो सब दलित पैंथर से निकले हुए रचनाकार हैं, और उसी के प्रभाव में मराठी के बाद में दूसरी भारतीय भाषाओं में, चाहे वो मलयालम हो, हिंदी हो, तमिल हो, ओडिया हो, गुजराती हो, बांग्ला हो, सभी भारतीय भाषाओं में मराठी के बाद में अनुवाद के माध्यम से, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे ने कई अनुवाद किए, हिंदी के अनुवादकों ने भी, मराठी के अनुवादकों ने मराठी से हिंदी में अनुवाद किए, और हिंदी में जो पहला दलित साहित्य जहाँ से शुरुआत होती है, आप में से निश्चित तौर पर जरूर बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हिंदी में दलित साहित्य की शुरुआत 1975 के आसपास से मानी जाती है। 1975 में कमलेश्वर के संपादन में सारिका पत्रिका के दो दलित साहित्य विशेषांक निकले। अब उनमें लिखने वाले लोग मराठी के थे, हिंदी के एक आध लोग थे, बाकी सब मराठी के लेखक थे, और उन्होंने हिंदी में लिखा या उनके लेखों का हिंदी में ट्रांसलेशन कराया गया और हिंदी में पब्लिश हुआ दलित साहित्य के बारे में। इससे लोगों का रुझान पैदा हुआ, हिंदी में एक ऐसी पीढ़ी तैयार थी जो अपनी पीड़ाओं को अव्यक्त करना चाहती थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये अव्यक्त किया जा सकता है मराठी की आत्मकथाओं को पढ़ करके, मराठी के साहित्य को पढ़ करके, हिंदी में और दूसरी भारतीय भाषाओं में दलित साहित्य का लेखन लगातार बढ़ता चला गया, और दलित साहित्य ने एक राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण किया। इसी तरह से आप देखें कि तमाम जो दूसरी अवधारणाएं भी हैं, मैं आदिवासी साहित्य पे आने से पहले, जैसे मार्क्सवाद है, स्वयं मार्क्स, मार्क्सवाद दुनिया की सभी भाषाओं में कैसे फैला, कई लोग ये समझते हैं, जैसे जिन लोगों ने मार्क्स का अध्ययन नहीं किया वो समझते हैं कि मार्क्स ने शायद अंग्रेजी में लिखा होगा और अंग्रेजी विश्व भाषा है इसलिए मार्क्स के विचार पूरी दुनिया में फैल गए। तो आप केरला के लोग तो जरूर जानते हैं कि मार्क्स की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं थी और ना उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, उन्होंने जर्मन में लिखा। दुनिया के ऐसे ढेर सारे विद्वान हैं जो अपनी मातृभाषाओं में लिखते हैं, लेकिन अनुवाद के माध्यम से आज वो वैश्विक चिंतक के रूप में ख्यात हैं और स्थापित हैं। कार्ल मार्क्स भी उनमें से एक है, उन्होंने ना अंग्रेजी में लिखा ना रूसी में लिखा,
सामाजिक परिवर्तन में अनुवाद की कितनी बड़ी भूमिका होती है, इन तमाम उदाहरणों से हमने समझा। और इसको आगे बढ़ाने में प्रकाशकों की भी भूमिका होती है, और कुछ प्रकाशक ऐसे भी हैं जिससे अनुवाद छापते हैं। भारत में आजकल आप देखेंगे आधार प्रकाशन खूब अनुवाद छापते हैं। इससे पहले दो बहुत अच्छे उदाहरण है, राधुका प्रकाशन और प्रगति प्रकाशन, दोनों का हेडक्वार्टर मॉस्को में है। इन्होंने जो कम्युनिस्ट लिटरेचर है उसको न केवल रूसी भाषा में बल्कि हिंदी में, भारतीय भाषाओं में भी खूब छापा, सस्ते में उसको बेचा, जिसके माध्यम से भारत में आज जो भी कम्युनिस्ट लोग हैं उनके पास देखेंगे आप कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स या लेनिन या किसी पुश्किन और गोर्की, इन तमाम लोगों की, टॉलस्टॉय, इनकी रचनाएं हिंदी में प्रगति प्रकाशन या राधुका प्रकाशन की मिलेंगी, जहाँ पर बहुत सस्ते दामों में किताबें छपा करती थी। और इनके माध्यम से, इन प्रकाशकों के माध्यम से, जो मूल रूप से अनुवाद के प्रकाशन थे, इनके माध्यम से मार्क्सवादी साहित्य का, मार्क्सवादी चिंतन का हिंदी में प्रचार प्रसार हुआ। इसी तरह का एक उदाहरण आप देख सकते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर ने क्या किया कि बहुत बड़ा काम किया, संस्कृत की रचनाओं को, शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों को, सबको हिंदी में, आसान हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट करके और सस्ते दामों में, जिस तरह से मार्क्सवादी साहित्य को राधुका प्रकाशन और प्रगति प्रकाशन ने हिंदी में सुलभ बनाया, उस तरह से हिंदू हिंदू धार्मिक रचनाओं को गीता प्रेस गोरखपुर ने आसान हिंदी में ट्रांसलेट करके और उनको लोकप्रिय बनाया। घर घर तक आप देखेंगे, हर घर में आपको, हिंदू घरों में आपको सुंदरकांड या रामचरितमानस या उसका अनुवाद या कोई वेद या पुराण या कोई हनुमान चालीसा या कोई भी जो भी धार्मिक किताबें मिलती हैं, वो ज्यादातर किताबें गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है, तो ट्रांसलेशन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आदिवासी साहित्य पर आते हैं, आदिवासी साहित्य को भी राष्ट्रीय स्वरूप देने का काम अनुवाद ने किया, और आजकल आदिवासी साहित्य के अनुवाद की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है। सीके जानू के बारे में कर्दम जी ने बताया। एक नाम और जरूर मेरे ख्याल से केरला के लोग जानते होंगे, सीता रत्नमाला। आजकल हम इस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे स्त्रीवादी साहित्य में और दलित साहित्य में आत्मकथाओं का प्रचलन है, आत्मकथा एक केंद्रीय विधा है, तो आदिवासी साहित्य में आत्मकथाएं हैं या नहीं, और आत्मकथाएं नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आदिवासी साहित्य में हम जब आत्मकथाओं की तलाश में निकले तो हमको सीता रत्नमाला की आत्मकथा बियॉन्ड द जंगल 1968, 1968 में छपी हुई एक आत्मकथा मिली। सीता रत्नमाला केरला की हैं, और ये आत्मकथा दुर्लभ भी है, नेशनल आर्काइव में और एक आध लाइब्रेरीज में मौजूद है। 1968 में ये किताब प्रकाशित हुई, हमारे दोस्त अश्विनी कुमार पंकज ने इसका हिंदी में अनुवाद प्रकाशित किया है, और अब हिंदी के पाठक भी इससे परिचित हुए हैं कि एक केरला की आदिवासी महिला का जीवन संघर्ष किस प्रकार का है, और हिंदी या आदिवासी साहित्य में भी आत्मकथाएं भी मौजूद हैं। और वो मेरे एक विद्यार्थी हैं जो जयपाल सिंह मुंडा के आत्मकथा कहना चाहिए उसको या आत्मसंस्मरण कहना चाहिए, उनका लोबी सेंद्रा, जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी साहित्य के, आदिवासी जीवन के एक बहुत बड़े चिंतक हैं। वो एक आदिवासी राजनीतिज्ञ भी रहे हैं, उन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया और वो सांसद रहे, और उससे पहले वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और वहां पर रहते हुए उन्होंने भारत की हॉकी टीम का नेतृत्व किया। 1928 में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला किसी भी खेल में, और वो मेंस हॉकी में मिला, और उसके कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे। उन जयपाल सिंह मुंडा के ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स हैं, उनको उसका नाम है लोबी सेंद्रा, ये मुंडारी टाइटल है, जो लेकिन जो आत्मकथा है वो अंग्रेजी में है, और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया जा रहा है, एक मेरे विद्यार्थी उसका हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। ये दो आत्मकथाएं अभी तक मिलती हैं। आदिवासी साहित्य को राष्ट्रीय स्वरूप देने में निश्चित तौर पर अनुवाद ने भूमिका निभाई, लेकिन आदिवासी चिंतकों का एक ऐसा तबका भी है जो आदिवासी साहित्य के अनुवाद का विरोधी है। क्योंकि मैं आदिवासी साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए इस बात से परिचित हूँ। आदिवासी रचनाकारों और चिंतकों का एक तबका है जो कहता है कि हमें अनुवाद नहीं चाहिए। अब एक तरफ ये स्थिति है कि अनुवाद के माध्यम से
आदिवासियों की रचना दुनिया भर में पहुंच रही है, जैसे निर्मला पुतुल की कविताएं दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। जैसे आजकल एक बहुत ही युवा कवित्री है जसिंता केरकेटा, उनकी कविताओं के जर्मन और इतालवी में अनुवाद हुए हैं, अंग्रेजी में तो हुए हैं। जर्मन और इतालवी में अनुवाद की वजह से, अंग्रेजी अनुवाद की वजह से दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों से उनको बोलने के लिए बुलाया जाता है। उन विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम और जसिंता की कविताएं शामिल हो रही है। एक तरफ से यह है कि अनुवाद के माध्यम से आदिवासी साहित्य विश्व फलक पर अपना विस्तार कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आदिवासी चिंतक क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हमें अनुवाद नहीं चाहिए, इसकी वजह है। दरअसल अनुवाद बहुत ही सेंसिटिव चीज है, बहुत ही श्रम साध्य कार्य है, बहुत मुश्किल काम है। तो आदिवासी साहित्य, क्योंकि आदिवासी समाज बाहरी समाज से काफी अलग है, और उसके बारे में, आदिवासियों के बारे में लिखने के लिए और आदिवासी साहित्य का अनुवाद करने के लिए सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि दो भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, आदिवासी समाज का भी ज्ञान होना चाहिए, आदिवासी समाज के मूल्यों और दर्शन का भी ज्ञान होना चाहिए। जबकि स्थिति ये है कि जो गैर आदिवासी रचनाकार हैं या अनुवादक हैं, वो आदिवासियों के बारे में लगभग कुछ नहीं जानते। सपोज किसी ने किसी के संपर्क में रह के और अनुवाद कार्य शुरू किया आदिवासी गीतों का या आदिवासी कथाओं का, तो वो क्या करते हैं कि वो अनुवाद में एक आइडियोलॉजी भी होती है, हर भाषा की एक आइडियोलॉजी होती है। ये भाषाओं के अध्ययन में जब हम गहराई में जाएंगे तो हम पाएंगे कि भाषा साहित्य अनुवाद सभी की एक आइडियोलॉजी होती है। वो आइडियोलॉजी कैसे काम करती है, मान लीजिए मैं जिस समाज में पला बढ़ा हूँ या जिस समाज में मैं उठता बैठता हूँ, और मेरा समाज मुख्य तौर पर एक हिंदी समाज है, तो सर हिंदी समाज में अगर हायरार्की है, अगर हिंदी समाज में पदानुक्रम है, ऊंच नीच है, तो मेरी शब्दावली में मैं चाहूं ना चाहूं वो पदानुक्रम, वो जी ऊंच नीच, वो अच्छी और बुरी बातें, जो जिस भाषा का मैं आचरण कर रहा हूँ, जिस भाषा समुदाय के साथ मैं रहता हूँ, वो मेरी भाषा में आएंगे ही आएंगे, मैं चाहूं ना चाहूं, सायास अनायास वो आएंगे। लेकिन आदिवासियों का दावा है कि उनकी भाषा, और जैसे कोई किसी संथाली रचनाकार से आप बात कीजिए, संथाली व्यक्ति की जी भंडारी, तो उसमें उनका कहना है कि जो अनुवाद किए जा रहे हैं वो अच्छे अनुवाद नहीं किए जा रहे, और उसमें अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है, क्योंकि आदिवासी मूल्य बाहरी समाज के मूल्यों से अलग है। आप जैसे मैं आपसे कहूं कि वहां पर हिंदी में एक शब्द है युवा गृह, अंग्रेजी में उसको यूथ डोरमेट्रीज कहते हैं, और आदिवासी भाषाओं में वो घोटुल के रूप में ख्यात है, धुमकुड़िया के रूप में ख्यात है। अब लेकिन मैं आपसे कहूं कि यूथ डोरमेट्री, तो आप क्या समझेंगे यूथ डोरमेट्री को, आप उसको यूथ हॉस्टल की तरह समझ लेंगे। मैं आपसे कहूं युवा गृह, तो युवा गृह से भी आप क्या समझेंगे, क्योंकि जो घोटुल है या धुमकुड़िया है वो युवा गृह नहीं है, वो यूथ डोरमेट्री नहीं है। उसमें युवा अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में उससे परिचय प्राप्त करते हैं, एक दूसरे से दोस्ती करते हैं और अपना साथी चुनते हैं। अब इतनी सारी चीजें बाहर के समाज में, ऐसी कोई एक जगह नहीं है जहां पर ये सारी चीजें एक साथ होती है। इसी प्रकार से आदिवासी परंपरा में एक जगह अखड़ा, अब अखड़ा का कोई अनुवाद, पहली बात तो अखड़ा जब हिंदी का कोई व्यक्ति सुनेगा तो वो सोचेगा शायद अखड़ा गलती से लिखा गया है, ये अखाड़ा होगा, अखाड़ा यानी जो कुश्ती का मैदान, जबकि अखड़ा एक कल्चरल सेंटर है आदिवासी गांवों का, जहाँ अब लेकिन कल्चरल सेंटर है तो वहां पर, लेकिन वहां पे लोग अपने विचार विमर्श करते हैं, समाज के बारे में फैसले लेते हैं, उत्सव मनाते हैं। अब कोई कहेगा कि वो चौपाल है, तो वो चौपाल नहीं है, क्योंकि चौपाल में हायरार्की है, अखड़ा में वो हायरार्की नहीं है। इस तरह से ढेर सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आदिवासी चिंतक ये कहते हैं कि हमारा अनुवाद मत कीजिए, क्योंकि अनुवाद में आप हमारी सही संस्कृति को बाहर नहीं ले जा रहे हैं। इसको आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि मुंडारी सॉन्ग्स का, मुंडारी गीतों का कलेक्शन फादर हाफमैन ने भी किया, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का में, और जगदीश त्रिगुणायत ने बांसुरी बजरई नाम से भी मुंडारी गीतों का संकलन किया, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, उसके ट्रांसलेशन में बहुत अंतर है। तो इसलिए शायद इसी वजह से, क्योंकि जो ट्रांसलेटर है उसकी अपनी एक भाषा है, अपनी एक आइडियोलॉजी है, जो चाहे अनचाहे उसके ट्रांसलेशन में आ जाती है। जैसे साहित्य के सामाजिक सरोकार होते हैं, वैसे निश्चित तौर पे अनुवाद के भी सामाजिक सरोकार होते हैं, और इस बात को, जो अनुवाद और समाज के रिश्ते को समझने के लिए यह हमको जानना चाहिए कि कोई भी अनुवादक किसी रचना को, खास रचना को अनुवाद के लिए क्यों,
चुनता है। बहुत मुश्किल होता है ट्रांसलेशन करना, आप किसी किताब का अनुवाद करके देखिए, बहुत समय लगेगा, बहुत परेशानियां आएंगी, लेकिन इसके बाद भी कोई अनुवादक किसी किताब को चुनता है। कई कई अनुवादक बिना किसी पैसे की चाह के, बिना किसी उनको कोई ऑनरेरियम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो अनुवाद करते हैं। तो जाहिर सी बात है, उसमें उनकी आइडियोलॉजी काम कर रही होती है, उनकी रुचि काम कर रही होती है। जैसे करदम जी ब्लैक ब्लैक मूवमेंट की किसी ब्लैक लिटरेचर की किसी किताब का अनुवाद कर रहे, तो निश्चित तौर पर उनकी रुचि है इसमें। रणसुबे जी ने मराठी आत्मकथाओं का अनुवाद किया, उनकी रुचि है इसमें। मैंने सोशियोलॉजी ऑफ ट्रांसलेशन का अनुवाद करने की सोची, तो मेरी रुचि है इस क्षेत्र में, इसलिए मैंने। या कोई आदिवासी साहित्य का अनुवाद करता है, स्त्रीवादी साहित्य का अनुवाद करता है, तो निश्चित तौर पे उसमें उसकी रुचि, उसकी आइडियोलॉजी काम करती है। उसमें हम अलग से विस्तार से कभी बात कर सकते हैं। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सोशियोलॉजी ऑफ ट्रांसलेशन है, अनुवाद की सामाजिकी है, या अनुवाद का समाजशास्त्र है, या अनुवाद और समाज के रिश्तों की बात है, इसकी 1.5-2 दशक से पूरी दुनिया के स्तर पर ट्रांसलेशन थ्योरीज में इसकी बात हो रही है। 2005 में ऑस्ट्रिया में एक सिंपोजियम हुआ जिसका टाइटल था ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन एज ए सोशल प्रैक्टिस। इसके बाद से बहुत तेजी आई है सोशियोलॉजी ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में बात करते हुए। तो जो पेपर इसमें आए, इस सिंपोजियम में, उनको पब्लिश कराया गया, और उस किताब का नाम है कंस्ट्रक्टिंग ए सोशियोलॉजी ऑफ ट्रांसलेशन। ये 2007 में पब्लिश हुई। इसके एडिटर्स हैं मिशेल अवोल्फ और अलेक्सांड्रा फुकरी। इन्होंने अनुवाद और समाज से जुड़े हुए कई बिंदुओं पर बात की कि अनुवाद, अनुवादक को क्यों हाशिए पर रखा जाता है, क्या अनुवाद के बिना भी सामाजिक यथार्थ का निर्माण होता है, यानी सामाजिक यथार्थ के निर्माण में अनुवाद की क्या भूमिका होती है, अनुवाद के सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव है उनको जानने के लिए क्या हमको अनुवाद के स्थानीयकरण करना जरूरी है, उसका उसके अध्ययन में स्थानीयकरण लाना जरूरी है, समाज विज्ञानों के साथ में अनुवाद का क्या संबंध है, साहित्य के साथ अनुवाद का क्या संबंध है। इन तमाम विषयों पर उन्होंने विचार किया और अनुवाद और समाज के रिश्तों को समझने की कोशिश की, और यहाँ से अनुवाद के समाजशास्त्र की, आप कह सकते हैं, एक विधिवत शुरुआत हुई। निश्चित तौर पर समाज में जो बदलाव है, समाज में विकास है, वो अनुवाद के बिना संभव नहीं है, लेकिन जरूरी ये है कि हम अच्छे अनुवाद करें, क्योंकि अच्छा अनुवाद समाज के विकास की राह को सुगम बनाता है, और खराब अनुवाद समाज के विकास की राह में रोड़े पैदा करता है। जैसे राजभाषा विभागों के अनुवाद से आप सब लोग बहुत ही असहज महसूस करते होंगे। कई बार आपके सामने, आप हिंदी के अध्यापक हैं, हिंदी के विद्यार्थी हैं, लेकिन जब आप हिंदी और अंग्रेजी का विकल्प चुनना चाहते हैं एटीएम में किसी फॉर्म को भरने में, तो आप अंग्रेजी का विकल्प चुनते हैं, क्योंकि राजभाषा विभागों के अनुवाद ग्राह्य नहीं है, आसान नहीं है। तो या कई किताबों के अनुवाद होते हैं, समाज विज्ञानों की किताबें हैं, उनकी किताबों के अनुवाद पढ़ते हुए लगता है आपको कि बेहतर होगा कि मैं अंग्रेजी में पढ़ लूँ इस किताब को। तो ऐसे अनुवाद हमारी हमारे लिए मुश्किलें पैदा करते हैं, लेकिन बहुत सारे अनुवाद हैं जो हमारी राह आसान करते हैं, ज्ञान की दुनिया को आगे बढ़ाते हैं, ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज जरूरत है कि हम अनुवाद की सामाजिकी, या अनुवाद और समाज के रिश्तों को नए सिरे से समझें, और इस दिशा में सैद्धांतिक काम करें और इनको आगे बढ़ाएं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।